अच्छा लीडर चाहिए जो आपके लिए लड़े शहर के लिए। पप्पू कालानी अपना बेटा दे रहा है ओमी कालानी, जो आपको सिक्योरिटी देगा। व्यापारी को रात को कोई भी प्रॉब्लम होता है 24 घंटों में कभी भी प्रॉब्लम होता है तो कमांडो भेजेंगे, आपको हेल्प करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव का बिगुल बज चुका है, सारी पार्टियां अपने अपने चुनावी मुद्दे को लेकर मैदान में उतर चुकी है। वहीं थाने से सटे उल्हासनगर में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है, जहां उल्हासनगर वेस्ट में बीजेपी के कुमार ऐलानी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार से ओमी कालानी जी के बीच सीधी टक्कर है। इस मुद्दे पर हमने उल्हासनगर कैंप क्रमांक 3 के पूर्व नगर सेवक बाबू मंगतानी जी से बात की, जिन्होंने उल्हासनगर के मुद्दों पर हमसे बात की है। आइए जानते हैं इस बार उल्हासनगर की जनता के इस बार क्या मुद्दे होंगे और इस बार जनता किसे चुनकर लाने वाली है। बाबू मंगतानी जी, आपको क्या लगता है कि इस बार जनता बदलाव के लिए वोट करेगी? जनता बदलाव के लिए जरूर वोट करेगी, क्योंकि आज जो शहर की हालत है, आज रास्ते कम खड्डे ज्यादा है और मट्टी इतनी है कि लोग खाना कम खाते हैं मट्टी ज्यादा खाते हैं, और लाइट की समस्या जो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, जब चाहे तब बंद हो रही है और लोगों को कोई सुनने को नहीं है। लीडर लोग शांत बैठे हैं, कोई काम करने को तैयार नहीं है, कोई लीडर नहीं है। कुमार ऐलानी की तो चलती नहीं है, ना कोई सुनता है उसका। उसको दिया 5 साल, क्या किया उसने? शहर में उन्होंने कुछ नहीं किया। शहर में पानी की समस्या, लाइट की समस्या, रोड की समस्या इतनी बेकार है कि शायद लोग इनको माफ़ नहीं करेंगे ये टाइम, बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा परेशान है। इन लोगों ने जो हालत करके रखा है शहर की, मैं बोलता हूँ भगवान भी वहाँ से रोता होगा कि ये क्या कर दिया है उल्हासनगर में। इससे अच्छे गांव हैं, अभी अमरनाथ जैसे देखो, वहाँ के कारपोरेटरों को मैं धन्यवाद देता हूँ, वहाँ के महापौर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतना अच्छा बना के रखा है अमरनाथ को। और यहाँ के उल्हासनगर की हालत बद से बदतर है और लोग चेंज चाहेंगे कि यहाँ पर नया कोई आवे। उनके दिमाग में ओमी बैठ गया है, पप्पू कालानी जिन्होंने 20-25 साल पहले काम किया था, तो लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव वाकई जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो पिछले 5 सालों में उल्हासनगर में कितना विकास हुआ, आपको क्या लगता है? हुआ है ना विकास, करप्शन का विकास हुआ है, लाइट ज्यादा से ज्यादा बंद हुई है उसका विकास हुआ है, सरकारी अस्पताल में जाओ तो लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिलती है उसका विकास हुआ है, लोग परेशान है, खड्डों में गिर रहे हैं लोग, बहुत सारे मौतें हुई हैं, तो ये विकास हुआ है। जहाँ जाओ पैसा दो, जहाँ जाओ पैसा दो, टैक्स बढ़ाओ, लाइट बढ़ाओ, पानी बढ़ाओ, विकास हुआ है ना, यही विकास हुआ है। इसमें मिडिल क्लास के जो लोग हैं सबसे ज़्यादा परेशान है, उनकी ऐसी हालत है उनके लिए जीना बहुत मुश्किल है। मिडिल क्लास वाले उनके कैसे 10,000 में 12,000 में उनका घर चलता था, आज वो डबल हो गया, लेकिन वो कहाँ से लाए पैसा। मिडिल क्लास के लिए जीना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही भयंकर है, लेकिन ये सरकार उनको कुछ पैसा देके फिर उनको लाखों रुपए बढ़ा दिए, घी का डब्बा हो ये हो, तो कहाँ से लाएंगे बेचारे। तो सबसे ज्यादा मिडिल क्लास दुखी है। इस बार जनता के मुद्दे क्या होंगे? जनता के मुद्दे होंगे रोड अच्छे होने चाहिए, खड्डे एक भी ना मिले, जो मट्टी उड़ रही है आज मट्टी खा रहे हैं वो भी नहीं होनी चाहिए, और लाइट की समस्या खत्म होनी चाहिए, और पानी की समस्या सब लोगों को मिलना चाहिए पानी। जहाँ कारपोरेटर अपना दिमाग चला के जहाँ मांगते हैं लाइन बंद करते, जहाँ मांगते हैं चालू करते, वो गवर्नमेंट को अपने हाथ में लेना चाहिए, कारपोरेशन को। यही मुद्दे हैं लोगों को, क्या चाहिए? सफाई, पानी, लाइट। क्या आज स्वास्थ्य खराब हो चुका है, पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है लोगों को, आज शिक्षा कहाँ पर है? ये जो इतनी बातें कर रहे हैं, आके केजरीवाल दिल्ली में फ्री में शिक्षा दे रहे हैं ना, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रही है? क्यों नहीं सस्ता लाइट बिल कर रही है? क्यों नहीं लोगों की जो घर की टैक्स है वो कम कर रही है? तो मुद्दा यही है, लोगों को जीने का हक होना चाहिए। उसमें भी मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा दुखी है, बहुत परेशान है। इनको जीने दो भाई, इनको जीने का कोई रास्ता दिखाओ। ज़्यादा से ज़्यादा मिडिल क्लास है,
मैं यही सरकार से और आने वाले इलेक्शन में जो भी एमएलए आएगा उनसे उम्मीद है मेरी, जैसे मैं हम लोग चाहते हैं कि ओमी कलानी आवे, बदला होए, उनसे उम्मीद है ये सब काम वो पूरे होने चाहिए, नहीं होंगे तो नेक्स्ट टाइम वो भी नहीं होगा। बड़ा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि इस बार ओमी कलानी जी जीत कर आएंगे? आना चाहिए, बदलाव के लिए आना चाहिए। क्या किया कुमार ने? गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को, रिजर्वेशन प्रॉपर्टी को इसने सेट करके उनको बेचा है। और क्या किया इसने? प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बोलता है, जिसको बोलने नहीं आता है, जिसको नॉलेज नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, वो आदमी हमारा एमएलए। आज शहर की हालत गटर बन चुका है, शहर गटर हालत खराब है। कभी पूछो लाइट ऑफिस में एक फोन किया है, किसने सुना है? पोलिटिशियन में एक फोन किया है, किसने सुना है? आज सबसे बदतर गंदी में गंदी जो हालत है उल्लासनगर की है। ऐसे लगता है कि इनको उल्लासनगर छोड़ के, जैसे पाकिस्तान छोड़ के आए थे लोग, बहुत से मुल्क छोड़ के आए थे, इनको उल्लासनगर छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री बनने वाली है जो आज हालत करके रखी है। और इन कारपोरेटर और एमएलए की वजह से आज शहर की हालत बहुत ही बदतर है। बदलाव होना चाहिए, उसकी जिम्मेदार नहीं करेंगे तो पब्लिक रहेगी। ओमी कलानी जी अगर जीत कर आते हैं तो जनता के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? रोड और रास्ते, पानी, लाइट, सफाई, यही मुद्दे। उनको क्या चाहिए? लोग थोड़ी इनसे पैसा मांगते हैं, लोग चाहते हैं हमको टाइम पे पानी मिले। और पानी सवेरे 4 बजे क्यों आवे या रात को 2 बजे क्यों आवे? एक ही टाइम आना चाहिए सबको। और ये जो रोड कम खटे जाते हैं, ये सब बंद होना चाहिए। ये ओमी का पहला लक्ष्य होना चाहिए और वो करेगा, वचनबद्ध है। बदलाव है इसलिए हम ओमी को लाना चाहते हैं और पब्लिक भी चाहती है बहुत सारी कि पप्पू कलानी, ओमी कलानी शहर में आवे, जो 25 साल पहले काम किया था आज वो करके दिखाएंगे। बाबू मंगतानी जी, एक आखिरी और अहम सवाल, कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे कि उल्हासनगर में कानून व्यवस्था का हाल कैसा है? कानून व्यवस्था का हाल पूरा बिगड़ा हुआ है। अभी अभी दशहरा मैदान पे एक रैप हुआ है 4 साल की बच्ची से, है कोई सुनवाई? रैप तो हो चुका, ये आप अपने बच्चों को सेफ्टी दोगे? शहर में गर्दुले खुलेआम घूम रहे हैं, नशेड़ी खुलेआम घूम रहे, चरस गांजा खुलेआम बिक रहा है कोई बोलने वाला? आप ब्रिज में जाओ स्टेशन की, रात को आप जा नहीं सकते, ऐसी पोजीशन है। आपको सिक्योरिटी चाहिए, कोई अच्छा लीडर चाहिए जो आपके लिए लड़े शहर के लिए। पप्पू कलानी अपना बेटा दे रहा है ओमी कलानी, जो आपको सिक्योरिटी देगा। व्यापारी को रात को कोई भी प्रॉब्लम होता है 24 घंटों में कभी भी प्रॉब्लम होता है तो कमांडो भेजेंगे, आपको हेल्प करेंगे। अगर कोई बीमार है, किसका एक्सीडेंट होता है तो एम्बुलेंस भेजेंगे डॉक्टर के साथ इमीडिएटली। कानून व्यवस्था एक लीडर ही हैंडअप कर सकता है, वो आपके ऊपर है कि अपने बच्चों को ऐसा भविष्य देंगे खराब या ऐसा अच्छा लीडर देंगे जो शहर के लिए कुछ करे और आपको सेफ्टी देवे। जो कानून की व्यवस्था बिगड़ी हुई है उसे बनाए रखे, ये आप जनता के ऊपर है। मेरी जनता से अपील है, आखिरी एक अपील करता हूँ कि ओमी कलानी को ही जिताओ, बहुत पछताओगे आप। ये पैसे में बिकने वाले जो पैसा लेके वोट करते हैं बहुत ही गलत हो रहा है, आप सावधान हो जाए। तो आखिर में बाबू मंगतानी जी, आप आने वाले चुनाव को लेकर उल्हासनगर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो मैं एक संदेश दे रहा हूँ कि ओमी कलानी की निशानी है तुतारी और दो नंबर है ईवीएम में, दो नंबर है तुतारी, उसे दबाइए। और पप्पू कलानी एक शेर है और अच्छा लीडर है, उसका बेटा भी बब्बर शेर है, वो भी एक अच्छा लीडर बनेगा। अच्छा लीडर लाओ, पूरे शहर को बचाओ, माँ बहनों से पूरे शहर वालों से मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है, अभी ये आपके ऊपर है कि आपको अच्छा लीडर चाहिए कि कमज़ोर लीडर चाहिए। अच्छा लीडर और ताकतवर लीडर पप्पू कलानी और ओमी कलानी है, आपके ऊपर है किसको लाना है। तो ये थे हमारे उल्हासनगर कैंप क्रमांक 3 के पूर्व नगर सेवक बाबू मंगतानी जी, जिन्होंने बेखौफ होके जनता के मुद्दों को सामने रखा और ये भी बताया कि अगर ओमी कलानी जीत कर आते हैं
तो वो जनता के लिए भविष्य में क्या करेंगे।